हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्तित सिंह कुशवाहा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखा जाएगा कि GTA 5 ओरिजिनल जो कि 57 GB का है उसको कैसे डाउनलोड करें। कई जगह आप लोग देखे होंगे कि कॉपी और पेस्ट करके कई फाइलें करना पड़ता है, पर उसमें बहुत दिक्कत आती है। पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि GTA 5 आप डायरेक्टली बिना कोई परेशानी का एक क्लिक में कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मैं अपना ब्राउजर खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिंक पेस्ट करता हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पे लिंक पेस्ट करके खोल चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रैंड थेफ ऑटो 5 जो कि GTA 5 है वो दिखा रहा है। ये उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि कब कब रिलीज हुआ है और जो भी है डेवलपर का नाम दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आइए इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए विंडोज 64 बिट, प्रोसेसर इंटेल कोर 2 वाला है, राइजन रहेगा तब भी चल जाएगा। और आपका रैम 4 GB बोला हुआ है और वीडियो कार्ड मतलब कि ग्राफिक कार्ड 1 GB का है मांग रहा है, रिक्वायर्ड है। एनवीडिया का हो या फिर AMD वेगा का हो किसी का भी चल जाएगा। मेरा तो फिलहाल 16 GB रैम है और 8 GB ग्राफिक कार्ड है, तो मेरे में तो गेम बहुत अच्छे से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड GTA 5 डायरेक्टली लिखा है और ये डाउनलोड टोरेंट मतलब कि टोरेंट के द्वारा डाउनलोड करना। तो हम लोग को तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हम लोग को डायरेक्टली डाउनलोड करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम लोग डाउनलोड कर। यहाँ पे इसका सेटअप 3.4 MB का डाउनलोड हो चुका है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये 7 लॉन्चर GTA 5 सेटअप है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा, आपको ओके कर देना है इंग्लिश करके। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे आपको ब्राउज कर लेना है कि किस फाइल में डालना है, मुझे तो लोकल डिस्क डी में डालना है इसलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर इसके बाद आपको इसे नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे आपका शॉर्टकट बना रहा है वो, फिनिश कर दीजिए यहाँ पे ऐसे। अभी आपका 7 लॉन्चर खोल देगा। मैंने ऑलरेडी GTA 5 डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मेरे में देखिए चेक अपडेट्स का ऑप्शन दिखा रहा है, पर अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाएगा। आप वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर वहाँ पे देखिए मेरा अपडेट सब मेरा ऑलरेडी अपडेट है इसलिए दिखा रहा है, तो ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड। आपका यहाँ इंस्टॉल लिखेगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा, इंस्टॉल अपने आप होने लगेगा। आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वाईफाई से डाउनलोड करें जिससे आपकी नेट की स्पीड तेज रहे। और ये 57 GB का है तो मोबाइल डाटा से तो करना मुश्किल होगा आप लोग को। और यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर छोड़ दीजिए कुछ देर तक। जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद आपको जहाँ भी आप उसको ब्राउज करके फाइल का लोकेशन दिए थे आप वहाँ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग जब डाउन इंस्टॉल हो रहा होगा तो मिनिमाइज मत करिएगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम अपने आप। देखिए यहाँ पे मैं मिनिमाइज किया तो यहाँ चला गया। चलिए तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने लोकल डिस्क डी दिया था लोकेशन, वहाँ पे आया है कि नहीं मेरा GTA 5। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लोकल डिस्क डी दिया था और जब मैंने डाउनलोड किया था तो ये देखिए GTA 5 का ऐसे ही फोल्डर बन के आ गया था। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 57 GB का है इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं GTA 5 का ऐसा ही फोल्डर बन जाएगा आपको। बस आपको बस एक बार उस पर इंस्टॉल क्लिक करना है तो आपका ये पूरी फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ गेम चल रहा है कि नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। ये देखिए आपका GTA 5 खुल रहा है, देख सकते हैं। आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट यही है कि आपका रैम 4 GB से ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो ये जल्दी वर्क नहीं करेगा। आपको फिर कंप्रेस्ड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि सारे फीचर नहीं देता है GTA 5 जो ओरिजिनल है उसके, इसलिए आप ये फुल वर्जन डाउनलोड करें। आप देख सकते हैं ये खुल रहा है, मैं पूरा जब तक खुल नहीं जाता वेट करूंगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टोरी मोड दिखा रहा है,
ऑनलाइन भी खेल सकते हैं इसको, सेटिंग्स है, मैंने आपको खोल के दिखा चुका है। अब मैं यहाँ से क्विट कर दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से क्विट करूँगा, ये क्विटिंग हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस्तित सिंह कुशवाहा।